बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके तीन में से दो कैंडिडेट अभी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी बात सामने आ रही है। अच्छा, कांग्रेस को जो क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था, मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं है भैरव जी? बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा सातव की अभी खबर आ रही है 6/26 को प्रज्ञा सातव जो राजीव सातव की दिवंगत जो राजीव सातव है उनकी पत्नी है, यहाँ पे वो 20 वोटों पर आगे चल रही है, यानी जीत के लिए सिर्फ 4 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 40 विधायक है, यानी 30 का भी कोटा रखा जाए तो भी प्रज्ञा सातव एक सेफ तरीके से आगे जीत की कगार पर है। यानी मतलब यही है कि बाकी के जो कांग्रेस के 10 वोट है वो किसको जाएंगे, मिलिंद नार्वेकर को जाएंगे या शरद पवार की पार्टी को जाएंगे? शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस साथ साथ में है, लेकिन कांग्रेस के विधायक मिलिंद नार्वेकर को वोट देने की बजाय तो आप नजर बनाकर रखिए वैभव, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट आपके पास होगा हम लौटेंगे आपके पास दोबारा, दर्शकों तक वो जानकारी भी पहुंचाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।